अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राबिया। मैं आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं एग सैंडविच, जो बनाना बहुत ही आसान है और माओ की परेशानी बिल्कुल ख़त्म। जो बच्चे ब्रेड नहीं खाते, एग पसंद करते हैं, आप उनको बना के दें, इंशाल्लाह ताला पसंद करेंगे। इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दो एग लिए हैं, इसको मैं तोड़ लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। अब हम इसको फेंट लेंगे। चले, मैंने अंडा इसमें डाल लिए, दो अंडे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई मिर्च है, दड़ा मिर्च, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको मिक्स कर लूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें आप, मैंने ब्रेड को ना दो कर लेना है दरमियान से, ये ऐसे पकड़ के इसके दो स्लाइस कर लेने हमने, ठीक है, ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। जितने स्लाइस के आपने बनाने हैं अब उतने उसके कर लें, ठीक है। इसको दो दो कर लेंगे दरमियान से। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने बटर लगा लिया है, इसको मैं सारे पैन में लगा लूँगी बटर को। आप इसको नॉर्मल ऑयल में और घी में भी बना सकते हैं, मैं बटर में बना रही हूँ। बटर में बनाएंगे तो हेल्दी बच्चों के लिए। वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में कुछ भी बनाने को दिल ना करे तो आप ये बना लें। 5 मिनट लगते हैं बस इसको बनने में और ये बन के रेडी हो जाता है। अब बटर गर्म होगा तो फिर हम इसमें अपना अंडा ऐड कर देंगे। एक एक वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो वॉच किया करें। अभी ये गर्म हो रहा है, अभी फिर हम इसमें अपना अंडा ऐड कर देंगे। ये देख, अंडा मैंने इसमें अपना ऐड कर दिया। इसको हम इस तरह फैला लेंगे। ये मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है बड़ी आसानी से। एक दफा फिर कर लेंगे इसको फोल्ड। यहाँ से बच्चों को पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर ब्रेड है कि नहीं है। थोड़ी देर हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ब्रेड इसके अंदर बिल्कुल ही सैंडविच ही लग रहा है। उनको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर ब्रेड है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए उसका। चलिए अब हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, अंदर तक ये पका हुआ है माशाल्लाह। ये देखिए, बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी। आप इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।